फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर कलौंजी वाले आलू, चूंकि बहुत ही इजी हैं, फटाफट मिनटों में बन जाते हैं। सुबह सुबह बहुत लेट होता है ज़्यादातर लंच बनाने के लिए, तो आप बच्चों के टिफ़िन या ऑफिस के टिफ़िन के लिए या फिर कभी कहीं जा रहे हैं बाहर, तो भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसको लंच बॉक्स के लिए फटाफट रेडी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि रमजान चल रहे हैं तो फटाफट सुबह सुबह जल्दी जल्दी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं हम कलौंजी के आलू बनाना। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू, और जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, बेबी पोटैटोज, वो ले लिए हैं। ऑप्शनल हैं, आप बड़े आलू भी ले सकते हैं कट करके। तो मैंने छोटे आलू में से दो दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, और ये मैंने बॉयल करे हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक पैन या कढ़ाई ले लेते हैं। तो एक पैन ले ली है और उसमें हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा साथ में, क्योंकि हम कलौंजी वाले आलू बना रहे हैं। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हम डालेंगे कलौंजी। साथ में हम डालना है टमाटो, एक चॉप कर लिया हमने टमाटो। थोड़ा सा अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है, और साथ में डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। साथ में डालेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर 2 चुटकी हींग डालेंगे, और अब डालेंगे हम 1 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे अपने पोटैटो। मिक्स करेंगे, साथ में डाल लेते हैं थोड़ा सा हम नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे यहाँ पर, लगभग 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, और जो आलू है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए मसाले के साथ। ढक देते हैं और लगभग 1 मिनट यानी 1 मिनट हम इसको ढककर छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया आलू, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। 1/2 टीस्पून डाले हैं अमचूर पाउडर, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये हमारी कलौंजी वाली आलू की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको सुबह के नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में, ऑफिस के लंच बॉक्स में कभी भी इसको बनाकर रेडी करके आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं ये। और अब धनिया पत्ती डाल देंगे, तो गर्मा गर्म कलौंजी के आलू रेडी हो गए हैं। तो इस सब्जी को आप चपाती, पूरी, पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इजी सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।